एक पर्यटन स्थल के निकट पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, 2 घंटे के 20 रुपए लेते हैं, 4 घंटे के 40 रुपए लेते हैं, 6 घंटे के 60 रुपए लेते हैं, 8 घंटे के 80 रुपए लेते हैं, तो और 10 घंटे के 100 रुपए लेते हैं। तो क्या बताना है, कार पार्किंग शुल्क समय से किस प्रकार का अनुपात है, यानी ये संबंध किस प्रकार का संबंध है, यह पता करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला क्या है, बीस रुपए लगते हैं 2 घंटे के, इसे सरल करें तो क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्य 0 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर 40 रुपए लगते हैं 4 घंटे के, 4 एकम 4, 4 धाम 40 यानी 10 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से 60 रुपए लगते हैं 6 घंटे के, इसे सरल किया तो भी 10 प्राप्त हुआ। 80 रुपए लगते हैं 8 घंटे के, इसे सरल किया तो भी 10 प्राप्त हुआ। और 100 रुपए लगते हैं 10 घंटे के, इसे सरल किया तो भी 10 प्राप्त हुआ। यानी सारी चीजों में यानी अनुपात समान आ रहा है, तो ये समानुपाती विचरण है, बिल्कुल यह समानुपात या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती विचरण है या सरल अनुपात है।